हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विराज अपने विराज ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज दिन है ट्यूसडे और मैं ब्लॉग की शुरुआत अपने दोस्त काय से करता हूँ। बेंगलोर में आने के बाद मेरा पहला दोस्त जो है काय ही बना है। आप लोगों को या मुझे भी, जब मैं पटना में था, प्रिपरेशन करता था, उस टाइम मुझे उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ता था, लेकिन विश्वास कीजिए मुझ पे, आज के टाइम में मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह होते ही मेरा ये दोस्त काय मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे उठाने आ जाता है। अब देख सकते हैं मेरे बिस्तर पर कैसे आकर वो बैठा हुआ है। अब मैं उठूँगा बिस्तर से और उसके बाद इसे मॉर्निंग वॉक के लिए लेकर जाऊँगा। घड़ी के बज रहे हैं 7। काय काय, नो नो, हेडफोन छोड़ दो यार। अरे 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 अरे, नो, चलो 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 चलो, वॉकिंग करने चलते हैं। चलो 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 चलो। काय भाई साहब को वॉकिंग बहुत पसंद है और सुबह सुबह वॉकिंग करने जा रहे हैं। देखिए कितने एक्साइटेड हैं हम। और आप तो सुबह उठ वॉकिंग मॉर्निंग वॉक जाएं तो हमें एक सजा लगती है, लेकिन काय साहब कहना नहीं, इनका एक्साइटमेंट का इनका, ये देखिए काय सेड। अब ये इनका काय, नो, अब ये इनका लगेगा बेल्ट और अब काय बाबू चलेंगे मॉर्निंग वॉक पे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग वॉक पे। नो काय। तब मैं काय के साथ आ चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे और काय को लेकर जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। देखिए कैसे काय बाबू पूरे रोड को तब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बेंगलोर के मौसम को, हमारे नॉर्थ में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब से मैं बेंगलोर आया हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ धूप निकलता कब है। यहाँ का मौसम बड़ा ही अजीब है, कभी धूप, दो दो किलोमीटर पे यहाँ का मौसम बदलते रहता है। कभी धूप होता है, कभी बारिश होने लगती है, कभी बादल आ जाते हैं। तो बेंगलोर के मौसम के बारे में हम मतलब पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आज अगर हमारे जैसे बिहार, यूपी, इधर उधर जहाँ भी हमारे नॉर्थ साइड के स्टेट्स हैं, वहाँ एक बार अगर धूप हो गया तो आदमी कयास लगा लेता है कि हाँ आज धूप ही होगा, लेकिन यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ धूप भी हो सकता है, यहाँ बारिश भी हो सकती है, यहाँ मौसम ऐसा भी रह सकता है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए एक नया इंसिडेंट है। जिस मैं नए इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ वो इंसिडेंट ये है, काय के अराइवल्स, जो काय के इंतजार कर रहे हैं लड़ने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि लड़ाई को बंद किया जाए सुबह सुबह और इन्हें काय बाबू को लेकर चला जाए वापस कहीं और, आज काय बाबू पहुँच करेंगे। तो दोस्तों आज की सुबह और हर दिन की सुबह मेरी ऐसे ही स्टार्ट होती है और मैं हर दिन ऐसे ही काय को लेकर आता हूँ। ये मेरी जिम्मेवारी होती है कि काय को बाहर घुमाना, ले जाना, ये मेरी जिम्मेवारी है और ये मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है। जब तक मैं जिम नहीं जा रहा हूँ तब तक मैं मॉर्निंग वॉक काय की वजह से कर पाता हूँ, वरना मैं सोया रहूँगा। यहाँ का जो नेचर है ये है कि आप मतलब 10 से 5 की ड्यूटी होती है,
और फ्राइडे लास्ट नाइट होता है, और उसके बाद आप मौज मस्ती जितना कर सकते हैं आप करें, लेकिन मैं फिट रहना पसंद करता हूँ। तो मुझे मतलब इस लाइफ में भी ढलने में समय लगेगा, और इस लाइफ में मैं ढलूँ या ना ढलूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हर सुबह मेरी यही होती है, गाय को घुमाना, इन्हें मॉर्निंग वॉक कराना, साथ साथ खुद भी करना। तो मॉर्निंग वॉक करते रहना चाहिए, सुबह की फ्रेश हवा आपको पूरे दिन फ्रेश रखेगी। और दोस्तों बेंगलोर में कहने को तो बहुत कुछ है, मैं अगर एक दिन में कहने बैठूँ तो कह नहीं पाऊँगा। तो मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आप बेंगलोर को बहुत अच्छे और नज़दीक से जानेंगे, क्योंकि मैं आया ही हूँ यहाँ रहने के लिए। तो मुझे रहने के लिए हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो मैं करता हूँ। तो मुझे बेंगलोर के हर पार्ट में जाना होगा, घूमना होगा, फिरना होगा, सब कुछ। तो दोस्तों आपसे जो भी सजेशन हो मुझे आप दे सकते हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो हो सकता है कि मेरे एडिटिंग्स अच्छे नहीं हो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, धीरे धीरे ही ट्राई करूँगा मैं, और ट्राई करके मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं ज़रूर ही कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचूँगा। वो शाहरुख साहब कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो मुझे कमाल करना है। कुछ तो फिलहाल मैं जॉब के अलावा कर नहीं रहा, तो आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। तब तक के लिए ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ, और देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, सी यू टुमारो।